ॐ गणेशाय नमः ॐ श्रीगुरुवे नमः ॐ श्रीविष्णवे नमः श्रीलक्ष्म्याष्टोत्तरशतनां स्तोत्रं श्रीदेव्युवाच देव देव महादेव त्रिकालज्ञ महेश्वर करुणाकर देवेश भक्तानुग्रहकारक अष्टोत्तरशतं लक्षम्याह श्रोतुम् इच्छामि तत्त्वतः श्री ईश्वर उवाच देवी साधु महाभागे महाभाग्य प्रदायक सर्वश्वर्यर पुण्य सर्वप्रनाशनम सर्वरिद्रय शमनम भुक्ति मुक्तिदम राजवश्यकरं दिव्यं गुह्यतमं गुह्या परं दुर्लभं सर्वदेवानां चतुःषष्टिकलास्पदं पद्मादीनां वरान्तानां विधीनां नित्यदायकम् समस्तदेवसंसेव्यम् अनिमाद्य अष्टसिद्धिदं किम् अत्र बहुनोक्तेन देवि प्रत्यक्षदायकं तव प्रीत्याद्य वक्षयामि समाहितमनाः शृणुम् अष्टोत्तरशतस्यास्य महालक्ष्मीस्तु देवता क्लिम्बीजपदम् इत्युक्तं शक्तिस्तु भुवनेश्वरी अङ्गन्यासः करन्या स इत्यादिः प्रकीर्तितः अङ्गन्यासः करन्या स इत्यादिः प्रकीर्तितः इन श्लोक में कहा गया है कि इस 108 नाम के स्तोत्र की मूल देवी महालक्ष्मी है और क्लिम इसका बीज है माता भुवनेश्वरी यानी उनका बीज मंत्र ह्रिम इनकी शक्ति है अंग न्यास और करन्यास आदि कर लेना चाहिए ऋषि छंद आदि यहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो ऋष्यादि न्यास बनाने में दिक्कत होगी अन्य न्यास माता महालक्ष्मी के बीज मंत्र श्रीम के छ दीर्घ रूप श्राम श्रीम श्रूण श्रैम श्रौ श्र से आप चाहे तो कर ले यह मेरा व्यक्तिगत सुझाव है और माता लक्ष्मी से संबंधित बहुत सारे कवच स्त्रोत्र आदि में श्री बीज मंत्र से न्यास आदि किया गया है इसके बाद माता महालक्ष्मी का ध्यान करें ध्यानम वंदे पद्म कराम प्रसन्न वदनाम सौभाग्य दाम, दाम हस्ताभ्याम अभय प्रदाम मणी गनेर नाना विधेर भूषितां भक्ताभिष्ट फल हरि हर ब्रह्म आदि भीह सेवितां पंकज शंख पद्म निधि भीर युक्तां सदा शक्ति भीह सरसी सिज नयने सरोज हस्ते धवल तरान शुक गंध माल्य शोभे भगवती वल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करी प्रसिद मह्यम ध्यान के बाद माता का पूजा कर लें मानसिक पूजा भी कर सकते हैं मंत्र जप कवच आदि का पाठ करना हो तो कर ले फिर माता के अष्टोत्तर शत नाम का पाठ प्रारंभ करें अगर आप एक बार से ज़्यादा पाठ करना चाहते हैं तो यहीं से बार बार प्रारंभ करें ध्यान पूजन प्रारंभ में एक बार किया जाता है मूल पाठ प्राकृतिम विकृतिम विद्याम सर्वभूता हिता प्रदाम श्राद्धाम विभूतिम सूर्ब्हिम नमामी परमात्मिकाम वाचम पदमालयाम पदमाम सुचिम स्वाहाम स्वाधाम सुधाम धन्याम हिरण्माइम लक्ष्मीम निपुष्टा विभारी अदिति दिति दीप्ता वसुधा वसुधारिणी नमा कमला काम क्रोधसंभवा में नमा कमला का कामाक्षिरोदसम्भवाम् अनुग्रहपदां बुद्धिम् अनघां हरिवल्लभाम् अशोकाम् अमृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनीम् अशोकाम् अमृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनीम् नमामि धर्मनिलयां करुणां लोकमातरं पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्दरीं पद्मोद्भवां पद्म पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमां पद्मलाधरावी पद्मनी पद्म्यगंध सुप्रसन्ना प्रसादा मुखी प्रभा नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रसहोदरीं चतुर्भुजां चन्द्ररूपाम् इन्दिराम् इन्दुशीतलाम् आह्लादजननीं पुष्टिं शिवां शिवकरीं सतीं विमलां विश्वजननीं तुष्टिं दारिद्र्यनाशिनीं प्रीतिपुष्करिणीं शान्तां शुक्लमाल्यां वरां श्रियं भास्करीं बिल्वनिलयां वरारोहां यशस्विनीं वसुन्धरां उदाराङ्गीं हरिणीं हेममालिनीं धनधान्यकरीं सिद्धिं सदा सौम्याशुभप्रदां नृपवेशमगतानन्दां वरलक्ष्मीं वसुप्रदाम् शुभां हिरण्यप्राकारां समुद्रतनयां जयां नमामि मङ्गलां देवीं विष्णुवक्षः अस्थलस्थितां विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षिं नारायणसमाश्रितां दारिद्र्यध्वंसिनीं देवीं सर्वोपद्रवहारिणी नवदुर्गा महाकाल ब्रह्म विष्णु शिव आत्मकांत्रिपन्ना नमा भुवनेश्वरी ओ माता का मूल अष्टोत्तर शतनाम यहीं तक है और इसी की बार बार आवृत्ति करें इसके बाद माता का एक बार और ध्यान कर ले प्रार्थना कर लें लक्ष्मी क्षीर समुद्रराजतनयाँ श्रीरंग धामेश्वरी दासी भूत समस्त देववनीता लोकदीपांकुरां मंदकटाक्षलब्ध विभव्रह्मेन्द्र गंगाधरा कुटुबिनी सरसिजा वंदे मुकुंद नमामि कमले कमलाय ताक्षी श्री विष्णु हृत कमल वासनी विश्वमाता क्षीरो कमल कोमल गर्भ गौरी लक्ष्मी प्रसीद फल नमता फल फलश्रुति में उस स्तोत्र से संबंधित बहुत सारी जानकारी होती है फलश्रुति यो जेद विद्वान्मा विजितेंद्रिय दारिद्रध्वंसनवाम आपनोत्य यत्न तीनों संध्या में जो साधक जितेंद्रिय होकर छ महीने तक इसका पाठ करता है वह अपनी दरिद्रता को खत्म कर देता है और प्रयत्न करने से उसे सब कुछ प्राप्त होता है देवीना सहसु पुण्यम अष्टोत्तर शत ये अवापनोति भृगुवारे शतम धीमान पठेद वत्सर मात्रकम अष्ट ऐश्वर्य अवाप्नोति कुबेर इव भूतले भृगुवार शुक्रवार को कहते हैं तो शुक्रवार को इसका पाठ करने से उसे अष्ट सिद्धि मिलती है और वह पृथ्वी पर कुबेर के समान हो जाता है कुबेर इव भूतले दारिद्रय मोचनम नाम स्त्रोत्र अम्बा परम शतम ये न अवाप्नोति कोटि जन्म दरिद्रिता ये न एन भी बोल सकते हैं माता अम्बा के दारिद्र्य मोचन नाम के इस स्तोत्र का सौ पाठ करने से उसे श्री की प्राप्ति होती है और कोटि कोटि जन्मों की दरिद्रता दूर होती है विपुलान भोगान अस्याह सायुज्यम सायुज्य प्रातः काले पठेन पठेन्त्युखोपात पठन्स्तु चिंतयेद देवीं सर्वाभरण इस स्तोत्र के पाठ से साधक यहाँ विपुल सुख संपत्ति श्री आदि का भोग तो करता ही है बाद में उसे माता का सायुज्य प्राप्त होता है यानी वह लक्ष्मी माता के लोक में जाता है भुक्तवा विपुलान भोगान अस्याह सायुज्यम आपनुयात और कहा गया है सुबह इसका पाठ करना चाहिए प्रातः काले पठेन नित्यम सर्व दुखोपांत है हर प्रकार के दुख तकलीफ आदि की शांति होती है और पठन स्तु देवीम देवी सर्वा भरण भूषिताम मतलब इसका पाठ करते समय माता का चिंतन करें कि माता सुंदर सुंदर वस्त्र और हर प्रकार के आभूषण आदि से सजी हुई हैं और इस तरह से उनके रूप का चिंतन करते हुए इसका पाठ करना चाहिए पठन स्तु चिंत सर्वाभरण भूषिता तो इस तरह से माता लक्ष्मी का यह अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र यहाँ पूर्ण होता है माता लक्ष्मी के पूजन आदि में स्तोत्र मंत्र जप आदि में उनका कोई भी एक कवच अवश्य ही पढ़े कवच किसी भी मंत्र स्तोत्र आदि की सिद्धि में सहायक होता है अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस आप लोगों को पसंद आती हो तो आप इसे लाइक करें शेयर करें इसकी पीडीएफ की फ़ाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं धन्यवाद